Hey guys, welcome to JD One Channel. I'm back with another video of daily hard questions. It is part 4 and I already have uploaded the 3 parts. If you haven't seen them, you can see them too. ठीक है ना? So अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल एड्रेस है anuj2345josi@gmail.com. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9045844523 एंड आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा. ठीक है ना? तो देखते हैं कि मैंने लास्ट टाइम क्या पूछा था. आइए मैं देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. ठीक है ना? सबसे पहले मेरी एक क्वेश्चन देखते हैं भाई कि ये मैंने क्या बोला था. एक सर्कल है जिसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखी थी और ए बी लेंथ, मतलब ये वाली जो लेंथ है ए बी की दे रखी थी 17 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है ना? और डायमीटर दे रखी थी 20 सेंटीमीटर. डायमीटर कितनी दे रखी थी, मतलब ए क्यू. अगर डायमीटर देखा जाए तो ए क्यू तुम्हें दे रखा था 20 सेंटीमीटर. मुझे निकालनी थी कि किसकी वैल्यू निकालनी थी, क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी. अब देखिए सबसे इजी क्वेश्चनों में से था ये, लेकिन जस्ट क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है ना, वो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए और रूल भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होता कैसे सॉल्व. सबसे पहले ये देखिए कि जो ए ओ होगा यहाँ पे, जो ये ए ओ है ये क्या, एक रेडियस है. ये रेडियस है तो ये और ये इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, मतलब ये 10 होगी तो 10 होगी. हम कह सकते हैं कि अगर 10 को 10 को करूँगा तो ये 1:1 में बटी होगी. किसमें बटी होगी? 1:1 में बटी होगी. ठीक है ना? अब थोड़ा ठीक है. तो ये 1:1 में बटी होगी, मतलब ये दोनों साइड के आपस में इक्वल है. ए क्यू ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, बिकॉज क्यू रेडियस है ये. ठीक है ना? अब और अगर हम देखें तो ये भाई जब भी देखो, अब जो ये बी सी है वो क्या कर रही है, टेंजेंट जैसा काम कर रही है. ओपी क्या है, रेडियस है, तो ये हो जाएगी आपकी 90 डिग्री. क्या हो जाएगी भाई? 90 डिग्री हो जाएगी. अगर ये 90 है, ये ऊपर 1:1 के रेशियो में, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे भी 90 होगा. दो अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगी, ये सभी 90 डिग्री है, तो ये वाली जो साइड होगी, ये साइड भी क्या होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. कौन सी? ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. तो मुझे इससे क्या पता चला कि भाई जो ए ओ था, ओ था वो क्या था, ओ इज मिड पॉइंट. क्या था? ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू. था कि नहीं था? उसी तरह यहाँ पे पी आ गया, पी इज मिड पॉइंट ऑफ बी आर. ठीक है ना भाई? तो बी आर भी यहाँ पे जब ओ से हम टेंजेंट डायरेक्टली टेंजेंट पुट अप करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको भी कितने बराबर हिस्से में बांटेगा, बीपी इज इक्वल टू. तो बीपी को बराबर हिस्से में बांटेगा, मतलब 1:1 में. यहाँ पर भी 1:1 है और वहाँ पे 1:1 है, तो इसका पता यहाँ पता चला कि जो ओपी होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट, मतलब क्या करेगा, मिड पॉइंट में काट रहा होगा ए क्यू को और बी आर को. तो हम जानते हैं कि जब भी एक ट्रेपीजियम, अब देखिए अगर मैं इस फिगर को ऐसे उल्टा करके देखूँ तो ये फिगर कुछ ऐसे दिख रहा है मुझे. ठीक है ना? ये ऐसा दिख रहा है. तो ये हो गया क्या भाई, ये हो गया क्यू आर, ये हो गया तुम्हारा ओ पी, ये हो गया तुम्हारा ए बी. और हम जानते हैं कि जब भी ओ पी क्या हो, मिड पॉइंट हो किसी ट्रेपीजियम का, तो वो क्या होता है, जो ओ पी की लेंथ होती है, ओ पी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ऊपर वाली साइड इसे और बी, है ना, ए प्लस बी, यही तो होता है 1/2. तो रख लीजिए ओ पी आपको पता है, तो ओ पी की लेंथ आपको पता है कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी. क्यों? ये भी क्या है, ओ पी भी क्या है, रेडियस है. तो ये 2 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 20. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 20. तो यहाँ पे जब हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना. तो अब देखिए भाई ए बी की लेंथ, ये नीचे वाला जो पोर्शन था बी, ये कितना था, 17 था. तो ए की लेंथ तो ही निकालनी थी, तो ये हो जाएगा 20 - 17, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, है ना. बी सॉरी बी की वैल्यू, बी दे रखा था आपको, ए की वैल्यू निकालनी थी, ए है. ठीक है ना भाई? तो बी यहाँ पे 17 दे रखा था और आपको निकालना था ये वाला पोर्शन, ये आपको 10 दे रखा था. देखिए तो ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, ये. तो आंसर कितना आ गया इसका, 3. ठीक है ना? उपसो आपको समझ आया वो क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो ये वाला क्वेश्चन है. अब देखिए इसमें एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई. एबीसी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. किसी एक पॉइंट, अभी मिड पॉइंट नहीं है या कोई सेंटर नहीं है, बस कि मैंने बोला सिर्फ एक पॉइंट है कोई, वहां से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है. किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड पे. तो वो कहाँ पे मिल रही है, एक पी पे मिल रही है, एक क्यू पे मिल रही है और एक आर पे मिल रही है. ठीक है ना? और O से P की जो लेंथ है वो है √2, O से Q की जो लेंथ है वो है √23 और O से R की जो लेंथ है वो है 5√3. तो मुझे करना क्या है, मुझे फाइंड निकालना है एरिया ऑफ द जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है. क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है. तो आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करिए, कमेंट करिए
ठीक है ना। और हॉल ऑफ द फेम में आइए, पिछले वाला क्वेश्चन को भी किसी ने सॉल्व नहीं किया, किसी ने उसका आंसर नहीं दिया, जबकि देखिए कितना इजी था, जस्ट 2 मिनट का काम है ये, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एबीसी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एबीसी फाइंड आउट करना है। और कमेंट करिए ताकि आपका नाम हॉल ऑफ द फेम में आ सके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करिए प्लीज, आप कुछ भी ट्राई करते हो ठीक है ना, अपना दिमाग यूज करके कमेंट तो करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट्स के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।